हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की? इसका आंसर है जापान। दूसरा क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? इसका आंसर है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है के एन राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? इसका आंसर है रूपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? इसका आंसर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी VR वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका आंसर है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? इसका आंसर है नॉर्वे, नॉर्वे कंट्री का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे कहां में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? मतलब भारतीय रेलवे कहां पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहां पहला जैव विविधता पार्क मिला है? इसका आंसर है मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है? इसका आंसर है बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? आंसर है पुष्पा द राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? इसका आंसर है भारत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर है 11% यानी 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? इसका आंसर है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? इसका आंसर है डाबर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? इसका आंसर है शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री लिंकेटन को किसने लिखा? आंसर है उमा दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? इसका आंसर है माली। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।